अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस मंसूर। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए, आज हम बैंगन का भरता बनाएंगे। ये हमने एक बैंगन लिया है और इसको हमने बीच में से काट लिया है। इसमें दो तीन हरी मिर्चें डाल दी हैं और हमने इसमें तेल लगा रखा है। और ये हमने एक टमाटर लिया है। आइए, हम पहले इसको भून लेते हैं गैस पे। अब हमने इसको भूनने के लिए रख दिया है। कम से कम इसमें 10 मिनट लगेंगी भूनने में। ये जब अच्छे से भून जाएगा अब देखिए, ये बैंगन हमारा भून चुका है। अब हम ये टमाटर भूनेंगे। इसको भी अच्छे से भूनना है। अब देखिए, हमारे ये बैंगन और टमाटर अच्छे से भून गए हैं। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर ये ठंडा हो जाएंगे, फिर इनको स्मैश कर लेंगे। अब देखिए, ये हमने इनका छिलका निकाल दिया है। अब ये थोड़ी देर इतने ठंडे होते हैं, इतने हम मसाला भून लेते हैं। अब ये फ्राई पैन गर्म हो चुका है। इसमें हम 1.5 चम्मच तेल डाल देते हैं। अब देखिए, ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये छोंक का सामान डाल देते हैं। मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, 2-3 हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा मेथी दाना और हींग। हींग बहुत जरूरी होता है इसमें। देखिए, ये हमारा छोंक तैयार हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। अच्छी तरह से भून लेते हैं प्याज को। इसको थोड़ी देर भूनने के लिए रख देते हैं। अब देखिए, ये हमारी प्याज काफी अच्छी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डालते हैं। अब देखिए, क्योंकि इससे ना कद्दूकस करके ना ये अदरक का स्वाद ना बहुत ही अच्छा आता है। अब देखिए, हम इसमें मसाले डालते हैं। 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। अब इसको मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं थोड़ी देर, ताकि ये मसालों की जो ये कच्चापन होता है ना, ये थोड़ा सा निकल जाए। अब देखिए, ये हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। इसमें काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें ये बैंगन और टमाटर हमने स्मैश कर लिए थे, अब हम इसको डालते हैं। और साथ ही डालते हैं हम इसमें 1 चम्मच नमक। वैसे तो नमक अपने स्वाद अनुसार दे सकते हैं। अब हम इसको कम से कम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। अब देखिए, ये हमारा भरता बनके तैयार हो चुका है। गैस हमने बंद कर दिया है।